वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे ने एक और वैकेंसी लाई है और लाने वाली है। न्यू रिक्रूटमेंट है आपका 2018 का ये। जैसा कि आपको पता है कि ALP और टेक्नीशियन और ग्रुप डी का चल रहा है वैकेंसी, अभी फॉर्म भरा जा रहा है। तो उसी तरह से RPF का भी फॉर्म है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, जो कि फॉर्म अभी आ रहा है, नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसकी जानकारी जो है रेल मंत्री द्वारा दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ट्विटर अकाउंट है उससे दिया गया है। तो ठीक है, हम इसके बारे में बताएंगे क्या है प्रोसेस, क्या रेल मंत्री जी ने ट्वीट किया है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेलवे की तैयारी करते हैं तो, और इसमें बताएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है एग्जाम का। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। सब्सक्राइब करें india.com YouTube चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रेलवे मिनिस्टर के द्वारा दिया गया जानकारी है ट्विटर से। तो उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है कि रेलवे 1,00,000 लोगों को नौकरी एक साथ देगी, ठीक है। और इसमें जल्द ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी 9,000 जो आपका है 9,500 भर्तियां शुरू होंगी, जिसमें से 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि अगर आप इसमें से आपको पता है कि बहुत सारे वैकेंसी अभी चल रहे हैं, जैसे कि ALP और टेक्नीशियन के लिए अभी चल रहे फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, 31 मार्च उसका लास्ट डेट है। और जो ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था वो भी भरा जा रहा है। तो उसमें आपके 62,000 तक फॉर्म आ चुके हैं, 62,000 तक आपके जॉब आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो इसमें अगर आएगा तो इसमें आपके 9,500 भर्तियां होंगी, जिसमें आपके 50%, ये बहुत ही दुख की बात है कि 50% जो है वो नौकरियां महिलाओं के लिए रिजर्व है। और तो आपकी नौकरियाँ काफ़ी कम बच जाती हैं अगर आप इसके 50% करते हैं तो, बस 4,000 समथिंग कुछ रह जाती है और पुरुषों के लिए। और उसमें से भी जोन वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, आप मान के चलें 4,750 यही बचता है आपके। तो इसमें आपके क्या होंगे कि इसमें महिलाएं भी होंगी और फिर इसमें 4,750 जो अलग होगा वो आपके पुरुष लोग के लिए होंगे। और उसमें भी आपको मैं बता दूं कि जब जोन वाइज डिवाइड हो जाएगा तो काफ़ी कम नौकरियां बचेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि उनको जानकारी दें ट्विटर पर, जहाँ पर पीयूष गोयल जी ने लिखा है उसके नीचे में आप कमेंट करके बोलें कि सर इसमें अमेंडमेंट किया जाए, इसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए जॉब को, और इसको इतना के बजाय 20K के अराउंड किया जाए तो वो सही होगा आप लोगों के लिए। और काफ़ी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे RPF का, उनके लिए ये भी सही होगा। तो यही बताया गया है, आगे देखते हैं क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के मैं बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था। तो फिजिकल टेस्ट एक होता है, ठीक है, इसमें आपका रनिंग हो गए, शॉर्टपुट हो गए, ये सब हो गया। आप इसकी तैयारी करते रहें, अभी से लग जाएं क्योंकि कभी भी फॉर्म आ सकता है। एज क्राइटेरिया जो था पहले इसमें 20 to 25 years था, ठीक है। और रिटन एग्जामिनेशन इसकी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी, लेकिन आपको पता है कि हर एक एग्जाम में अभी दिन पे दिन चेंज होते जा रहा है, तो उसी तरह से इस बार भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। तो फिजिकल फिटनेस अभी आप ध्यान दे सकते हैं और आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दो काम है अभी से आप करना शुरू कर दें और ये सब तो होते रहेगा। एज क्राइटेरिया अगर आप बिलोंग करते हैं, देखते हैं कितना जाता है, 25 से तो कम नहीं होनी चाहिए, इससे पहले ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आप रनिंग वनिंग करते हैं तो आप करना शुरू कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।